नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल, नंदन करण होम स्टे। आज हमारे घर में विशेष सदस्य विदेश हमारे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। ये हैं डुक्कू। डुक्कू इधर देख। ये हमारी ताई जी जो है हरेले के लिए मिट्टी तैयार कर रही हैं यहाँ पे। ये जो काली मिट्टी खोद के लाए हैं उसको यहाँ पे। ये है ढकनी जिसमें इनको बोया जाएगा। धान भी इसमें है और कुल मिला के इसमें 7 अनाज रखे जाते हैं। फिर उसके पश्चात अपने आप को तिलक लगा कर ये कार्य शुरू किया जाता है। थोड़ा थोड़ा उसमें मिट्टी भर के अनाज डाले जाते हैं। तो इस तरह से इसमें 7 लेयर्स होती हैं, 7 परतों में इसमें अनाज बोया जाता है। इस तरह से छिड़काव करके पानी डाला जाएगा। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इसमें धीरे धीरे पानी डाला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डंगवाल, नंदन कानन होम स्टे से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे। तो आज जो है कुमाऊं का बहुत ही प्रमुख त्यौहार है हरेला, और हरेले की शुरुआत आज से होती है क्योंकि आज हरेला बोया जाता है। और आज से 9 दिन तक उसकी पूरी सिंचाई होगी, नई गुड़ाई होगी और 10वें दिन हरेले को काटा जाएगा। तो हरेला जो है असल में कुमाऊं की परंपरा है, पारंपरिक त्यौहार है जो हरियाली के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हरियाली और सुख समृद्धि के लिए जो मनाया जाता है, इसमें 7 अनाजों को बोया जाता है। विशेष प्रकार से खाली मिट्टी जंगल से खोद के लाई जाती है और उसमें छोटी छोटी टोकरियाँ बनाई जाती हैं। हर परिवार के सदस्य इसको बनाते हैं और हर परिवार के सदस्य इसको बोते हैं और 9 दिन तक पूरी इसकी केयर की जाती है। उसके बाद 10वें दिन जो है इसको काट करके मंदिर में भेंट में चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ में सभी लोग अपने कानों में इसको रखते हैं और एक दूसरे को हरेला पूजन किया जाता है। तो आज इसकी बुआई चल रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जो ये पारंपरिक त्यौहार है, कैसे इसको मनाते हैं, क्यों इसको मनाया जाता है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो बने रहिए मेरे साथ में, पूरी वीडियो को आप अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। आज भी मौसम बिल्कुल क्लाउडी बना हुआ है, जैसे कि कई दिनों से बारिश चल रही है लगातार। आज भी थोड़ा बहुत क्लाउडी है और हमें भी बारिश भी हो सकती है। थोड़ा बहुत अभी बूंदाबांदी हुई थी थोड़ी देर पहले, तो अभी आगे देखते हैं कि कैसी सिचुएशन बनी रहती है। लेकिन मौसम जो है पूरा क्लाउडी है, पूरे चांसेज हैं बारिश होने के। हरेला बहुत पावन पवित्र त्यौहार है, इसलिए इस त्यौहार के शुभारंभ के लिए आज से हरेला बोया जा रहा है। इसलिए हर घर की आज बहुत अच्छी तरह से सफाई की जाती है और गोबर से पूरे घरों की लिपाई की जाती है, स्पेशली हर कमरे की। ये देख सकते हैं मम्मी यहाँ पे गोबर से लिपाई कर रही है हमारे घर के जितने भी कमरे हैं, क्योंकि हमारे सारे कमरे जो अपना घर है पुराना वाला, इसमें सब मिट्टी के हैं, तो सब गोबर से यहाँ पे लिपाई की जाती है। इवन जो दीवारें हैं वो भी गोबर से लिपाई की जाती है। तो हरेला शुद्ध माना जाता है, इसलिए हरेले के स्वागत के लिए, आगमन के लिए सारे घर को शुद्ध किया जाता है। ये हमारा चूल्हा है जिसमें हम लोगों का खाना बनता है, इसकी भी गोबर से लिपाई की जा रही है और चूल्हे को सफाई की जा रही है, क्योंकि हरेले के दिन लिए शुरुआत के लिए पूरी तरह से घर को शुद्ध किया जाता है। और गोबर अपने आप में पवित्र है, गोमूत्र और गोबर दोनों ही अपने आप में परम पवित्र हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इनको पवित्र माना गया है। तो इनसे पूरे घर को शुद्धिकरण किया जाता है, इसके पश्चात ही हरेले की बुआई की जाती है। आज हमारे घर में एक विशेष सदस्य विदेश हमारे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। ये हैं डुक्कू। डुक्कू इधर देख। हेलो बोल। डुक्कू क्या खा रही है? सेब। ये कहाँ से आया? खेत से तोड़ के लाई। खुद तोड़ के लाई? हाँ। अरे वाह, वेरी गुड। ये हैं ढकनी जिसमें हरेला बोया जाता है। तो ये जो दो बनी है, ये बनी है जो गेहूं होता है, गेहूं का जो नौला होता है उसकी, और बाकी जो दो है ये लकड़ी की बनी हुई है, रिमगाल की। ये हमारी ताई जी जो है हरेले के लिए मिट्टी तैयार कर रही हैं यहाँ पे। ये जो काली मिट्टी खोद के लाए हैं उसको यहाँ पे छन्नी से छान करके अलग बर्तन में इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इसको बिल्कुल बारीक बनाना होता है, तो बारीक मिट्टी ही इसमें यूटिलाइज की जाती है। तो इस तरह से जो भी इसका कूड़ा होगा, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, वो सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं और बारीक मिट्टी जो है वो नीचे अलग हो जाती है। ये हैं हमारे ताऊ जी जो गेहूं में से कंकड़ उंकड़ अलग कर रहे हैं, और इसमें से स्पेशल जो खास गेहूं अच्छे बीज होंगे वो अलग करके हरेले के लिए निकाल रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हरेला बोने के लिए, सारी तैयारियां लगभग चल रही हैं और मैं आपको ले चलता हूँ, इधर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मम्मी जो है मिट्टी की यहाँ पे तैयारी कर रही है,
ये मिट्टी खोद के लाए हैं जंगल से। इसमें आप देख सकते हैं पत्ते वगैरह सब मिक्स्ड है, और इधर जो है ये इसको बारीक किया जा रहा है छन्नी से छान करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी इसमें मोटा होगा वो सारा निकल जाएगा, और जो पतला सा बारीक जो होगा एकदम से, जो काली मिट्टी है एकदम जो उपजाऊ मिट्टी है, ये नीचे रह जाएगी। तो मम्मी अभी इसकी छनाई कर रही है। छनाई करने के बाद इसको हम लोग जो छोटी छोटी हम लोग ढकनी बनाते हैं उस ढकनी में इसको भरा जाएगा। तो जो भी एक्स्ट्रा इसमें से मटेरियल निकलता है उसको इस तरह से अलग से पॉट में रख लिया जाता है। ये बर्तन है, इसमें देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा मटेरियल जो थोड़ा हैवी है, मतलब थोड़ा मोटा है इसमें ये वाला, और जो हमने अभी छाना है ये देख सकते हैं बिल्कुल बारीक, इसमें मोटा रहता है, मोटा नहीं रखते हैं, मतलब बिल्कुल बारीक इसको बनाया जाता है। तो ये यहाँ पे मिट्टी का अभी चल रहा है। बाकी इसमें जो ऊपर का मटेरियल है ये सारा, ये देखिए ये पूरी मतलब इतनी उपजाऊ है कि इसमें 4-5 दिन के अंदर ही फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आगे ले चलते हैं, ये सारी मिट्टी जो है इसको अंदर लेके जाएंगे, और अंदर जो है हम लोग जहाँ पे हमने ढकनी रखी है, क्योंकि इसको अंदर ही बोया जाता है, बाहर ऐसी परंपरा की इसको अंदर छांव में ही बोते हैं। तो मम्मी इसको लेके जा रही है अंदर कमरे में, तो एक कमरा सेपरेट जहाँ पे हम लोग रहते नहीं, जिसमें मतलब सेपरेट ही अलग रूम है जिसको हम लोग यूज नहीं करते हैं सोने होने के लिए। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोएंगे। ये है ढकनी जिसमें इनको बोया जाएगा, तो इनको भी मम्मी अंदर लेके जा रही है, और अभी आपको दिखाता हूँ कैसे इसको बोते हैं। तो ये सेपरेट रूम है, यहाँ पे हम लोग कोई रहते नहीं, क्योंकि हमारे उधर बाकी रूम में हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे सारा सेटअप हरेले का हम लोग करेंगे, क्योंकि इसको अलग से ही रूम में रखा जाता है। और ये हाँ, ये सबसे खास चीज़ जो है, ये देखिए अनाज, इसमें 7 अनाज होते हैं। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मक्का और गेहूँ, जौ, और इसके अलावा इसमें तिल, और ये उड़द की दाल भी है, काले काले ये दिख रहे हैं इसमें, और चूही के दाने, रामदाना जिसे बोलते हैं, धान भी इसमें है, और कुल मिला के इसमें 7 अनाज रखे जाते हैं। कई लोग 5 भी करते हैं और कई लोग 7 अनाज का करते हैं, तो 7 अगर हों तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 7 की ही परंपरा पहले से चली आ रही है। तो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ही तिलक बनाया जाता है, क्योंकि हरेला जो है बहुत पवित्र त्यौहार है, तो इसमें सबसे पहले तिलक बना करके, तिलक से खुद को भी शुद्ध करके, और बाकी जो अन्य जितने भी पात्र इसमें यूज होते हैं सभी को शुद्ध किया जाता है। शुद्धिकरण करने के पश्चात ही ये कार्य शुभ होते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले तिलक लगा करके पूजन विधि की जाती है, पूजन किया जाता है सारे जितने भी पात्र हैं, और भगवान को पहले अक्षत चंदन चढ़ा करके, और जितनी जो ढकनी वगैरह जो होती हैं उनको अक्षत चंदन चढ़ा करके, फिर उसके पश्चात अपने आप को तिलक लगा करके ये कार्य शुरू किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसका हरेले की बुआई शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो ढकनी में है इसमें थोड़ा थोड़ा करके, ये आप देख सकते हैं जो मिट्टी हम लोग लेके आए हैं काली मिट्टी, ये इसमें थोड़ा थोड़ा रहती है, और थोड़ा थोड़ा उसमें मुट्ठी भर के अनाज डाले जाते हैं। तो इस तरह से इसमें 7 लेयर्स होती हैं, 7 परतों में इसमें अनाज बोया जाता है। मतलब तो एक परत आप पहले मिट्टी डालेंगे, फिर उसके ऊपर अनाज डाले जाएंगे, फिर एक परत मिट्टी की होगी, फिर ऊपर से अनाज डाले जाएंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 7 परतों में इसको बोया जाता है, और 7 ही प्रकार के अनाज होते हैं। तो ये बहुत ही विशेष और मुख्य त्यौहार है, जिसको उत्तराखंड में विशेष रूप से कुमाऊं रीजन में इसको मनाया जाता है, और पारंपरिक तौर पर बहुत प्राचीन समय से ये चला आ रहा है। जो हरेला है, हरेला एक्चुअली हरियाली की प्रतीक है, हरियाली का, और साथ ही साथ में हरेले त्यौहार के पश्चात जो है मानसून जो है वो प्रारंभ हो जाता है, बरसात का शुरुआत हो जाती है, तो ये उसके भी एक प्रमाण है। तो हरियाली के प्रतीक के रूप में हरेले को मनाया जाता है। उत्तराखंड में अभी भी ये पारंपरिक त्यौहार मनाया जाता है, और विशेष रूप से इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में।
ये हमारी ढकनी जो है चारों ढकनी तैयार हो चुकी है। हम लोग की पहले से परंपरा ऐसी, हम लोग चार ढकनी पहले से तैयार करके रखते थे, हरेला बोते थे जब हमारे दादाजी थे उस समय से। तो अभी ये चारों की परंपरा हमारी जारी है। और अब नंबर आता है इसमें पानी डाल के सिंचाई करने का। तो धीरे धीरे इसमें इस तरह से छिड़काव करके पानी डाला जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें धीरे धीरे पानी डालते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी हल्की इसमें जो है पूरी भरी हुई मिट्टी है, तो एकदम से पानी डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे इसमें इस तरह से पानी डाला जाएगा और आज से लगातार इसका रोज इसमें डेली पानी डाला जाएगा 9 दिन तक का लगातार। और फिर फाइनली इसका 10वें दिन इनको करेले को काटा जाता है। तब तक ये काफी बड़े हो जाते हैं, 1-1.5 फीट ऊंचा हरी हरी पत्तियां होती हैं, इसलिए इसे हरेला भी बोलते हैं। तरह से आज के बाद रोज इनको सुबह शाम इनमें पानी डाला जाएगा और साथ ही साथ 9वें दिन इसकी गुड़ाई की जाएगी। गुड़ाई करने के पश्चात अगले दिन इसमें जो है इनको हरेले को काटा जाता है। तो उस दिन हरेला त्योहार मनाया जाता है। आज से जो है शुरुआत हो रही है, आज हरेला बुआई का पर्व है। तो आज से 9 दिन तक पूरी इसकी केयर की जाएगी और 10वें दिन फाइनली इसको काटा जाएगा, जो होता है श्रावण मास का पहला दिन। तो श्रावण मास के पहले दिन हरेले की कटाई होती है, उस दिन हरेला त्योहार पूरे कुमाऊं उत्तराखंड रीजन में मनाया जाता है। यह है डुग्गू, जो खुद को अभी तिलक लगा रही है। आज हमारे घर में विशेष सदस्य आज डुग्गू आई हुई है, तो पहले डुग्गू खुद को तिलक लगा रही है, उसके बाद डुग्गू मुझे भी तिलक लगाएगी और बाकी घर के सारे सदस्यों को डुग्गू आज तिलक लगाएगी। ये देखिए डुग्गू हमारी स्पेशल मेहमान आ जाइए, तो मेरे को तिलक लगा रही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्रणाम। कौन बोलेगा? जीते रहो फूलो फलो। तो अभी जो है फाइनली हम इनको यहाँ पे हमने इसमें पानी डाल चुके हैं, सिंचाई इसमें तराई कर चुके हैं। तो अभी इनको हम लोग अलग से एक पेटी में रख लेंगे और सेपरेट इनको रखा जाता है अलग से, ताकि कोई यहाँ पे ऐसे नजर न डाले इनको। अभी क्या होता है कि पहले जो 9 दिन तक होता है कोई अन्य व्यक्ति को इसको देखने में नहीं देते हैं, और सारा ताजा पानी नौले से भर करके लाते हैं और उस पानी से ही इनमें तराई होती है। तो ये देखिए दो इस पेटी में हमने रखे और दो इस पेटी में इनको रखा जा रहा है, और इनको ऊपर से हम लोग कवर कर देंगे। कवर करने के बाद धीरे रोज इनको हम लोग सुबह शाम पानी से इनकी रोज तराई करेंगे। तो इस तरह से 9 दिन तक इनकी केयर की जाएगी। आज हम हरिया बुहा हर हमले क्या मतलब हर कहले बुहा आज घर में सब अपन अपन घर में आया हरिया बुहा। आज 9 दिन तो लग गया हमारे घर में शुद्धता जाग धरी जा, और लेकिन लगातार शुद्ध पैन दी जा 9 दिन तो लग। 9वां दिन एक गुड़ाई हुई, फिर दूसरा दिन एक काटोल और एक पूजबे सब खरा में धरोल और द्वारों में गए लगों ने हमारे दिन धेय में द्वारों ला लगों ने गोरु गुबरेल। ये हरियाव हमारे ये जड़ हरिया भी, ये जड़ हरियाव बटी हर चीज हर क्या जो काम हूँ जो ही नाज हूँ हर क्या चीज जड़ हरियाई पर शुरुआत हूँ। तब ये मैं हर कोई नाच ना 7 प्रकार नाच या 5 प्रकार नाच बोई जाने, और मैं हमेशा 7 प्रकार नाच बोई करो। 7 प्रकार गेहूँ जौ काकुन चू उड़द धान तिल 7 प्रकार नाच बोई करो, और कोई लोग 5 प्रकार बोई करने। और ये जड़ हरियाई भाई बस बहुत पहले भाई परंपरा चली से आज देखिए चलती रहे। सो फाइनली हम लोगों ने हरेल की बुआई कर दी है, और आज मेरे ख्याल से सभी लोगों ने हरेल की बुआई कर ली होगी। कई लोगों ने सुबह की है, कई लोगों ने शाम को की है। तो इसमें हम लोगों ने जो है 7 प्रकार के अनाज इसमें बोए हैं, और आज से लगातार 9 दिन तक का इसकी पूरी केयर की जाएगी। 9 दिन तक पूरा लगातार इसमें रोज सुबह शाम पानी डाला जाएगा, और साथ ही साथ 9वें दिन इसकी गुड़ाई होगी। गुड़ाई होने के पश्चात जो है अगले दिन जो 10वां दिन होगा, 10वें दिन जो श्रावण मास का पहला दिन होता है, उस दिन हरेले की कटाई होती है, इसकी पाठ पूजा की जाएगी। पूजन के पश्चात सारे लोग एक दूसरे को इसको पूजते हैं और एक दूसरे के कान में रखते हैं। जितने परिवार के बड़े सदस्य होते हैं वो छोटे सदस्यों को हरेले से पूजते हैं। तो हरेले पूजन का उस दिन आपको दिखाया जाएगा पूरा वीडियो, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही रोमांचक होता है, बहुत ही आकर्षक होता है। ये हमारी पहाड़ की कल्चर है जो अभी भी यहाँ पे जिंदा है, तो बहुत ही पारंपरिक महत्व रखता है ये त्योहार जो है। और साथ ही साथ में जो है हरेले को जो
जिस दिन हरेला मनाया जाएगा 10वें दिन, उस दिन हरी दहलीज में गोबर से इसको चिपकाया जाता है। इसका भी एक महत्व है कि गोबर से हरेले को चिपकाने का ये महत्व बनता है कि उस दिन हर परिवार में हर घर में इसके चिपकाने से खुशहाली आएगी, सुख समृद्धि आएगी और हरेले के पश्चात सारी जो फसलें होती है उनका लगाना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए इसको हरेला पर्व बोला जाता है और जो इसमें बालियां उगती हैं वो हरी होती हैं, इस प्रकार से इसको हरेला बोला जाता है। ये बहुत सारे इसके महत्व हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये त्यौहार है। तो हमारे कुमाऊं में ये परंपरा अभी भी मौजूद है, स्थिति में जिंदा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया होगा प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।